कौशाम्बी के छोटे से गांव शिवराम के युवक ने बीटीसी की पढ़ाई के बाद मशरूम की खेती करने शुरू की। झारखंड में प्रशिक्षण लेने के बाद बुद्धप्रिय ने मशरूम की खेती करना शुरू कर दी। बुद्धप्रिय की लगन और मेहनत देखकर दूसरे लोगों को भी मशरूम की खेती करने की प्रेरणा मिली। 5 लाख की लागत से बुद्धप्रिय ने 6 बीघा खेत में मशरूम की फसल उगाई है। किसान बुद्धप्रिय ने बताया कि मशरूम की खेती के लिए सबसे पहले भूसा एकत्रित करना पड़ता है, इसके बाद बांस, प्लास्टिक की पॉलिथीन, गोबर की खाद, राख, लाइट की व्यवस्था, समय समय पर पानी देने के लिए नलकूप लगाया जाता है। मशरूम फार्म में खेती के लिए चैम्बर बनाना पड़ता है, जिसमें 5 से 10 फीट में कम से कम एक दूसरे के ऊपर 5 बेड बनाए जाते हैं। मशरूम का बीज 120 से 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। वैसे तो साल भर मशरूम की खेती की जा सकती है, लेकिन ठंड के मौसम में मशरूम की खेती अच्छी होती है। खेती के करने के लिए हमने रेडियो पे सुना था। रेडियो पे सुनने के बाद जैसे हमने अपनी पढ़ाई पूरी की तो पापा ने कहा आप क्या करना है, तो हम कहे करेंगे क्या, वही खेती अभी है अपने पास, वही करते हैं। तो कहे मशरूम की खेती है ये कर लो, स्ट्रॉबेरी की खेती है ये करो, तो हम सबसे पहले मशरूम की खेती करना चालू किए। देखिए, मशरूम की खेती बहुत ही फायदेमंद है और प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अलग से प्राप्त करना, जो लोग मीट मांस मछली नहीं खाते हैं तो उसके लिए मशरूम की खेती या मशरूम खाना, जिसमें कि अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा बटन मशरूम होता है, बहुत अच्छे फायदेमंद है।